हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम घर में ही हैं। हम बाहर जाने वाले थे, अभी शाम के 5 बजे हैं, लेकिन आप मौसम देखोगे तो मौसम बहुत बारिश वाला हो गया और पानी के छींटे भी आने लग गए। आपको मौसम दिखाता हूँ। तो भाई साहब, ऐसा कुछ मौसम बना हुआ है और बादल आप देख रहे हो बहुत उठे हुए। इसलिए हमने जो प्लान किया था बीच पे जाके ब्लॉग बनाने का, तो वहाँ पे तो नहीं बन सकता है, इसे बंद कर देता हूँ। वॉइस ठीक से आने रही होगी। हाँ, तो वो वाला प्लान तो अपना कैंसिल हो गया है, बिकॉज पता है बारिश आ रही हो, माइक ऐसा है, माइक में अगर पानी चले गया तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम वो वाला रिक्स नहीं ले सकते हैं। सच बोलूँ तो दिन भर से हम घर पे ही थे, तो मुझे लगा था कि हम आज व्लॉग बना लेंगे, बाहर जाके 4 बजे 5 बजे जाएंगे, लेकिन 5 बजे ऐसी चीज़ हो गई, बारिश आने लग गई, तो फिर ऐसा लगा कि अब पहले ही बना लेना चाहिए था, जो कि नहीं बना। सो अब क्या करें। तो ये जो डीमोटिवेशन है ना, ये आता ही है। मतलब जब दोपहर में व्लॉग बनाने का टाइम था तो हमने बनाया नहीं, हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन हमने अपने आप को बोला कि शाम को चलेंगे। तो ये जो डीमोटिवेशन है, मतलब ये जो आलस है, ये आलस क्यों आ रहा है? एक्चुअल में सच्चाई बताऊं तो हमारे 119 या 120वां व्लॉग है, 120 व्लॉग्स कंटिन्यू एवरी डे बन चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता है। तो जो लोग भी बात करते हैं वो यही बोलते हैं 120 दिन कंटिन्यू बना दिए, क्या बात कर रहा है। अब बना दिए तो बना दिए, हमने तो 365 डेज का चैलेंज लिया है तो वो भी बनाने हैं। लेकिन जब ये बार 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 ये वाली चीजें सुनता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि यार सच में कोई नहीं कर सकता है क्या। फिर काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं। मतलब एक बंदे का तो व्लॉग भी बना के रखा है मैंने, सौरभ जोशी, उसका तो डेली आता है और मिलियंस में सब्सक्राइबर है, हर मंथ 1 मिलियन उसका बढ़ रहा है। मतलब काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी है, उससे बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। सो एक और चीज़ ये है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाए और वीडियो बना के उसके बारे में ये बताया है कि भाई डेली व्लॉगिंग करता है, फैमिली है तो अकेले के ऊपर ये बर्डन नहीं रहता है कि उसको व्लॉगिंग शूट भी करना है, एडिट भी करना है, मतलब जो भी है सोचना भी है, ये सब चीज़ें उसके अकेले के ऊपर नहीं आती, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में कंटेंट निकलता ही रहता है, बातचीत चलती रहती है। तो कहा जाता है कि फैमिली वाले कंटेंट या फैमिली वाले व्लॉग्स इजी होते बनाने, क्योंकि पूरी फैमिली है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है। सो हम अकेले हैं, कभी कभार कोई आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो कोई नहीं है, हम अकेले हैं, वन मैन आर्मी है। सो क्या हम वैसे कंटिन्यू बना पाएंगे? तो इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला है कि हम डेली मुंबई की एक एक जगह घूमेंगे, मतलब जितने भी स्टार्स है, सेलिब्रिटी है, उनके घर देखेंगे, यहाँ पे मुंबई में जो घूमने की जगह है वो देखेंगे। हाँ, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो मैं वो भी दिखाऊंगा, मतलब हमारा शूट है तो हम शूट पे भी चलेंगे, वो वाले वीडियो तो आपको मिलेंगे, वो वाले व्लॉग्स आपको मिलेंगे, और सेकेंड चीज़ घर पे कुछ हो रहा है तो वो, जैसे कि आज जो है हम दिन भर से शॉर्ट्स देख रहे थे, 1-2 घंटे हमने शॉर्ट्स में बिगाड़ दिए, और उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, हमारे घंटे पूरे हो चुके हैं, मतलब कुछ बाकी है, 1-2 दिन में हो जाएंगे वो भी, और सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा बाकी है, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, आज भी हमारा व्लॉग डालने में लेट हो गया है। अब वो क्यों? क्योंकि हमारा वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है, मतलब वाईफाई में दिक्कत है। सो हमने राउटर के लिए वाईफाई वाले जो भाई है उन्हें कॉल किया, कितने बार कॉल कर दिया भाई पता नहीं। सो अभी उनने शाम को आने का बोला है, अब देखते हैं वो कब तक आते हैं और ये वाईफाई का सॉल्यूशन आज होता है कि नहीं। और ये वाला जो व्लॉग बन रहा है ये तो मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये रात को अपलोड करना है, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूं कि डेली डेली हम लेट हो और एक्टिंग बंद करो। सो हाँ यार, सच्चाई तो ये है कि यार हम डेली डेली लेट हो रहे हैं ना, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही।
हम जब व्लॉग बनाने के लिए बाहर जा रहे थे तो बारिश चालू हो गई और अभी कुछ नहीं। सो अब इसको क्या बोले, फिर के बंद कर देते हैं, वॉइस में नॉइस आएगी। आज का व्लॉग आपने देखा होगा तो यार आज के व्लॉग से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था। आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा था कि हम ठीक से उसको एडिट नहीं कर पाए थे, इतना टाइम भी नहीं बचा था और जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक भी मुझे इतना पसंद आया नहीं था। ये चीज़ अलग है कि मैं अपने ही व्लॉग की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यार ये वाले व्लॉग से मुझे उम्मीद बहुत थी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इसे बहुत अच्छे से बनाऊँगा, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा प्यारा सा आएगा और एडिटिंग भी बहुत प्यारी सी होगी, लेकिन हम लेट हो चुके थे तो जल्दबाजी में डाला गया ये। हाँ, डेली व्लॉग का यही एक घाटा है कि आपको काम बहुत स्पीड में करना पड़ता है। अगर वो व्लॉग बड़ा बना है तो फिर भाई समझ जाओ, क्योंकि रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक मैं एडिटिंग कर रहा था और उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट्स हो गए थे। मतलब शॉर्ट्स की तो भरमार हो गई थी उसमें, क्योंकि अंधेरी के सब शॉर्ट्स दिखाने थे। उसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने कैमरा चालू किया और वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मतलब बाद में ध्यान दिया कि रिकॉर्ड हो नहीं रहा। तो अब क्या कर सकते हैं। सो सेकेंड चीज़ ये है कि हम अभी अकेले हैं, तो अकेले में मैं जितने शॉट्स ले सकता हूँ मैं उतने ले रहा हूँ। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के मैंने व्लॉग्स देखे, वो कहीं पर भी अपना ट्राइपॉड लगा देते हैं, कैमरा लगा देते हैं, बट अपने यहाँ पर ये वाला सीन नहीं कर सकते। वो पता है ना आपको क्यों। देखो यार, ये टफ तो है डेली व्लॉगिंग करना, ये मुझे शुरुआत से ही पता था, लेकिन डिमोटिवेशन आता तो है, कई बार आता है। आज भी जैसे हम शॉर्ट्स देखने बैठ गए थे, वो भी क्यों, क्योंकि हमें दूसरे चैनल पे शॉर्ट्स डालना है, तो उससे एक आइडिया लगता है कि यार कैसे शॉर्ट्स डालने चाहिए जो चलेंगे। इन शॉर्ट व्यू वाले ही मामला रहता है कि किस पे व्यू कितने आ रहे, कैसे आ रहे, लोग क्या क्या कर रहे, वो भी एक रिसर्च करनी होती है मुझे। टेक्नोलॉजी चैनल के लिए भी वो तैयारी चल रही है, इसी चैनल पर बेस्ड है, ग्रोथ पर बेस्ड है, चीज़ों पे बेस्ड है। मैंने उस पर इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी तक मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो किस हक से बना। जब मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज होगा, जब इस पर अच्छी चीज़ें हो जाएगी, तो मैं वो चैनल को ग्रो कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ग्रो हुआ है, ठीक है, एनालिटिक्स दिखा सकता हूँ, सब चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो लेट्स, इसको सब्सक्राइब कर लो यार, पहुँचा दो 1000, 2 दिन का ही टाइम है, 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। आई थिंक आई डोंट नो कितने हुए, मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक 200-250-300 कुछ की ज़रूरत होगी। हाँ, सो वो पूरे कर दो भाई साहब, और मतलब जो भी है। हाँ, सभी दोस्त लो पूरे कर दो, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ठीक है, शेयर फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से वहाँ तक पहुँचे। जिनको घूमने वाले व्लॉग पसंद आते हैं अपने चैनल के, उनको ये वाला व्लॉग बोरिंग लग सकता है। नहीं, मतलब मैं इंटरटेनिंग रखने की कोशिश करता हूँ, म्यूज़िक तो अच्छा डालता ही हूँ, एडिटिंग भी अच्छी खासी कर ले, मतलब अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, गलत बात है, मतलब मैं खुद का अपना सेल्फ देखता हूँ 4 मंथ्स पहले का, 5 मंथ्स पहले का, तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं आती थी, इसलिए मुझे अपने आप में लगता है कि हाँ यार, जो चीज़ें आई है वो आई है, हमें मतलब वो सीखी है, मेहनत की है उस पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं की है, तो आप पुराने व्लॉग्स जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत की है। या अगर नहीं की है तो बताइए मुझे कमेंट में, अगर कोई गलती लगती है तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में। हाँ, ये बात तो है कि देखो, हर किसी से गलती तो होती है, मैं अपना नहीं बता रहा मेरे से गलती नहीं होती या मेरे से गलती होती है, बट हर काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या आई नो वेरी वेल। इसलिए मैं वो वाली चीज़ नहीं करता हूँ कि परफेक्ट हो के ही चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ। मतलब कुछ साल पहले तक मैं यही सोचता था कि चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए तभी डालूं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। अभी हमें ऐसा लगता है क्वांटिटी लाओ, क्वालिटी धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। तो क्वालिटी पे फोकस करना है, लेकिन क्वांटिटी को नहीं छोड़ना है।
खास तौर पे हमारे 365 डेली व्लॉगिंग चैलेंज में तो नहीं छोड़ सकते। टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे यही हालात हो रहे कि हम ठीक से उसमें वीडियो नहीं डाल पा रहे, लेकिन जल्दी ये वाले चैनल का काम ख़त्म हो जाए तो इस पे तो वीडियो कंटिन्यू आते ही रहेंगे, उस पे भी आएंगे। ये वाला व्लॉग थोड़ा थोड़ा सा मुझे अपना जो एक व्लॉग बनाया है ना मैंने 2 दिन पहले, कौन सा था यार वो, बैचलर लाइफ करके कुछ था ना, हाँ बैचलर्स लाइफ मुंबई में, सो उसके जैसा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं, इसमें कुछ और है। देखो इसमें मैं अपना थोड़ा रूटीन डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग भी लगे, मतलब उसमें मैं रूटीन डिफाइन किया है मैंने लेकिन इतना नहीं। सो अभी अपना रूटीन ऐसा होता है कि रात को 1:30-2 बजे तक हम एडिट करते हैं, ठीक है, जो अभी व्लॉग बनेगा। एक्स्ट्रा व्लॉग हमारे पास में नहीं है, अभी भी नहीं हो पाया एक्स्ट्रा व्लॉग, जो हम सोचते हैं कि एक दिन का बैकअप लेके चले वो नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्यों, मतलब आई नो क्यों बट आई डोंट नो क्यों, कन्फ्यूजन हो गया ना। मतलब मुझे पता है, मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करता, हिंदी में तो आपको पता ही होगा क्या है मीन्स, अरे यार मतलब बोल ही लेता हूँ यार जो मैं दिल में, मतलब मुझे पता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, बस नहीं हो पा रहा है। अब उसकी वजह बताता हूँ मैं, उसकी वजह ये है कि हमें दूसरे चैनल भी संभालने पड़ रहे हैं और इसका मोनेटाइजेशन का काम आ गया। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा मोनेटाइजेशन फेल हो जाए जब हम अप्लाई करें, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें शायद मैं भी मैंने कुछ टेग वेग सही नहीं डाले हो या ज़्यादा डाल दिए हो या जो भी है, जो भी चीज़ें हैं जो माइनस ही प्रॉब्लम से जो YouTube की तरफ से आ सकती है मोनेटाइजेशन के लिए, वो मुझे सॉल्व करना है, तो उसका भी दिमाग में चल रहा है प्लस जो दूसरे चैनल से उसका भी चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि अभी वो सब चीज़ें बंद कर दूँ, मतलब जो अपने जितने भी चैनल्स चल रहे उन चैनलों में से व्लॉगिंग का चैनल रहेगा, टेक्नोलॉजी का चैनल रहेगा और एक्टिंग का चैनल तो रहेगा ही। हमारी एक शॉर्ट फिल्म बची हुई है यार, शिट, एक शॉर्ट फिल्म है जो हमारी अभी तक एडिट नहीं हो पाई, वो भी एडिट करनी है। प्रीमियर प्रो अभी तक सीख नहीं पाए हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिला। हाँ तो एक्सरसाइज के लिए डंबल भी पड़े हुए मेरे सामने, दिखाऊं वो पड़े मेरे डंबल कोने में बेचारे। आपको लग रहा हो गया कि मैं तो सो गया, एक्चुअली इसका स्पेस फुल हो गया था, मतलब जो हमने कल वाला वीडियो शूट किया था, जो ब्लॉग शूट किया था, उसके फुटेजेस हमने डिलीट ही नहीं किए थे, और अभी जब मैंने डिलीट किया तो मैंने रियलाइज़ क्या किया, मैंने देखा उसमें 96 फुटेजेस थे, मतलब जो आज वाला ब्लॉग बना है, मतलब जो आज अपलोड हुआ है अभी ये वाले ब्लॉग के हिसाब से, तो जो कल अपलोड हुआ था वो वाले में 96 फुटेज यूज हुए। Oh my God, तभी इतना टाइम लग गया, वो इतने फुटेजेस को जोड़ने में ही टाइम लग जाता यार, तो कैसे जल्दी हो सकता है। अरे यार आज फर्स्ट टाइम हम ऐसे सोते सोते कर रहे, ऐसा लग रहा अब तो नींद आ रही है। रात को 1:30 बजे सोए थे, सुबह 5 बजे को उठे, तो नींद तो आनी है भाई, ऑब्वियस है नींद तो आनी है। सो क्या करें, सो जाए, हम सोते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई है, बहुत सारी बातें हो के भी बातें ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए इस व्लॉग को यहाँ पे हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अभी थोड़ी सी ढिलाई इसलिए चल रही है बिकॉज हमारा चैनल मोनेटाइज होने में है, तो हमारी थिंकिंग पूरी उधर लगी हुई है, मतलब उसके बारे में सोच रहा हूँ और क्या चैनल पर प्रॉब्लम्स है उसे कैसे क्लियर करनी है, ताकि मैं फर्स्ट टाइम में ही अप्लाई करूँ और फर्स्ट टाइम में ही हो जाए, तो वो भी देखना है मुझे और दूसरे चैनल भी देखना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्दी ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस 2-3 दिन के बाद में मैं कुछ खतरनाक प्लान कर रहा हूँ। जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी हमारी उसमें, लेकिन आएगी वो चीज़, वो जल्दी ही आएगी 2-3 दिन के बाद में भी, ठीक है, अगले मंडे से तो हो ही जाएगा वो, तो मंडे तक जो आसपास के घर है, मतलब सेलिब्रिटीज के घर है वो दिखाऊंगा, और बीच पे जाएंगे, कहीं और जाना होगा तो वहाँ जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे व्लॉग तो बनेगा, अपना तो डेली व्लॉग बनेगा ही। सो चलो, बातें तो बहुत सारी मेरे पास करने के लिए, मैं दिन भर बातें कर सकता हूँ, पहले ऐसा नहीं था मैं, लेकिन
एक्टिंग लाइन में आते हैं तो बोलना आना चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डेवलप कर लिया। सो इसी बात पे चलते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। और हाँ, आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में। कर दीजिए यार, इतनी बार बोल रहा हूँ, कर दो यार मेरे। ठीक है, मिलते कल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय बाय। फैन देखो फैन, तो मैं दूसरा काम करता हूँ। आप ये जो है स्क्रीन पे वीडियोस आ रहे हैं ना, उसमें से जो देखना हो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, देख रहा हूँ मैं सबको, कर लेना यार, मेरे को सब पता चल जाता है। अंतर्यामी हूँ मैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।